दीपावली के बाद यम द्वितीया को पड़ने वाले गोवर्धन और भैया दूज पर्व को महिलाओं ने बड़े ही धूमधाम से मनाया और गोवर्धन से गोवर्धन बनाकर पूजा अर्चना किया। इस दौरान महिलाओं ने अन्नकूट की भी पूजा की और अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना भी किया। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपने सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे, 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से ये उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। इस संबंध में गौरवपुनी से बात करते हुए महिलाओं ने कहा, कंचन श्रीवास्तव। महत्व यही है भैया की बहनें व्रत रहती हैं, अपने भाई के लिए मनोकामना को करती हैं कि मेरे भाई लंबी उम्र रहे, इस गोवर्धन का पूजा करती हैं, इनसे कहती है मेरे भाई को सुरक्षित रखिए, आशीर्वाद दीजिए और भाई को भी सदा भौजाई को सदा सुहागन रखिए। बस यही हम लोग सालों से सुनते आ रहे हैं, सालों से पूजा करते आ रहे हैं। बस सत श्रीकाल श्रीवास्तव। ये गोवर्धन पूजा है जो पारिवारिक समय से ही मनाई जाती है। मूल रूप तो इसका ये है कि जब कृष्ण जी ने वहाँ गोवर्धन पर्वत उठाया था, गोकुल में बहुत बारिश हो रही थी तो सारे ग्वाल बाल जो है उसके नीचे आ गए पर्वत के नीचे, और इन्होंने इतना मतलब सबकी रक्षा की, इसके यादगार में आज भी मनाया जाता है गोवर्धन पूजा। दूसरा कारण ये है इसका कि इसको भाई दूज भी कहते हैं। आज के दिन यम भाई थे और यमुना बहन थी। एक बार यमुना ने कहा कि आप इस तरह से सब न्याय के देवता बन के किसी को कोई भी वो कर देते हैं तो मनुष्य इसमें बहुत दुखी होता है, तो यम नहीं माने गए, जो हमारा कार्य है उसको हम करेंगे। तो यमुना गुस्सा के चली गई थी, तो यम गए थे उनको मनाने के लिए यमुना को, और वहाँ यमुना बड़ी खुश हुई और यम को आज ही का दिन था, तो यम को उन्होंने अपने घर में बैठाया, रोली चंदन लगाया, मिठाई खिलाई
और उस समय उनके लंबी आयु की कामना की कि जो लोग भी आपको कुछ कहते हैं अगर तो उसका असर आपके ऊपर ना हो। तो उसकी यादगार में आज भी बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए इस त्यौहार को मनाती हैं और सारे भाई बहनों के यहाँ जा कर के मिठाई खाते हैं और तिलक लगवाते हैं और बहनें उनकी लंबी आयु की कामना करती रहती हैं।